बात हुई आपकी कमिश्नर साहब से, क्या कुछ बातें रखी हैं आपने और क्या मांग की गई है? देखिए, आज मैंने मुख्यमंत्री जी को मेमोरेंडम दिया है और वो मैंने थ्रू कमिश्नर लखनऊ दिया, कमिश्नर लखनऊ पुलिस, क्योंकि जहां जहां कमिश्नरेट है वहां कमिश्नर के थ्रू दिया है, जहां कमिश्नरेट नहीं है वहां ऊपर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम के थ्रू दिया है। और जो हम लोगों का आपत्ति है डीजीपी साहब की जो गाइडलाइन है मुहर्रम को लेकर, उसको लेकर पूरे हमारे मुल्क के शियों की भावनाएं आहत हुई हैं। और जिस तरीके से उन्होंने जो हमारा ये मेमोरेंडम है, ये मेमोरेंडम हमने उनको दिया है पूरी तरीके से, और इसके अंदर उन्होंने गौवध की बात की है, तबर्रे की बात की है, मदरसाबा की बात की है, आवारा जानवरों की बात की है, पतंगों की बात की है। हमने कहा है कि फौरन मुख्यमंत्री जी आदेश करें उत्तर प्रदेश के डीजीपी को और बाकायदा आदेश करके दूसरी गाइडलाइन जारी करें, जिससे कि मुहर्रम में जो आने वाला मुहर्रम कल से रात से शुरू हो रहा है उससे पहले ये गाइडलाइन आ जाए, ताकि ये गाइडलाइन में फिर हम उसी तरीके से मुहर्रम मना सकें। क्योंकि इसकी ये गाइडलाइन जो आई है डीजीपी की, ये हमको कतई एक्सेप्ट नहीं है। ऑल इंडिया शिया फैसला बोर्ड का एक प्रतिनिधिमंडल इस वक्त मिला था जो आपके सामने है, और पूरी तरीके से हम लोगों ने अपनी पूरी कमिटी के जो हमारी कौम के जज्बात हैं वो हमने रखे हैं कमिश्नर लखनऊ जनाब डी के ठाकुर साहब के सामने। और उन्होंने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री जी को खाली आपका पत्र पहुंचाऊंगा नहीं, बल्कि हम आपकी जो भावनाएं हैं, जो आपके दिल दुखे हैं, हम उससे भी उनको अवगत कराएंगे। इस सिलसिले में हमारी कोशिशें मुसलसल जारी हैं, क्योंकि हम खाली कोशिश कर सकते हैं। हम कल दिल्ली में परसों राजनाथ सिंह साहब से मिले थे और हमने उनके भी सामने अपना पक्ष रखा था और हमने दिल्ली में भी अपना एहतजाज दर्ज कराया। उसके बाद हम माइनॉरिटी कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वाइस चेयरमैन से मिले और माइनॉरिटी कमीशन का हमने शुक्रिया अदा किया जो उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को बाकायदा पत्र लिखा है। बहरहाल ये मामला है, इसको लेकर शिया फैसला बोर्ड पूरी तरीके से एक्टिव है, क्योंकि मुहर्रम शुरू हो रहा है। हम फसादात नहीं चाहते हैं, हम लाइन ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं चाहते हैं, लिहाजा हम चाहते हैं कि कानून के दायरे में रहते हुए हम अपना एहतजाज भी करें और कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए हम अपनी ताजियेदारी और आजादारी भी करें। और हमने ताजिये की भी बात की है कि जो ताजिये जिस तरीके से घरों से निकलते थे उसी तरीके से घरों से ताजिये निकलेंगे, और ताजिये पर कोई रोक नहीं होना चाहिए। प्रोसेशन पर रोक हो सकती है, ताजिये पर कोई रोक नहीं हो सकती। ताजिये पे रोक की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात रखी है आपने ताजिये पे कि रोक नहीं होनी चाहिए। ताजिये बनाने ही नहीं दे रहे हैं तो रोक कहाँ से रखने, कहाँ से देंगे? देखिए, जहाँ जहाँ ताजिया नहीं बनाने दे रहे हैं वहां और बाकायदा हम वहां के लोगों से बात कर रहे हैं, और मेरे पास तमाम लोगों के फोन आ रहे हैं जो बड़े बड़े ताजिये प्रोसेशन के साथ में उठते थे उसके ऊपर वो रोक लगाने की बात करें, वहां पर भी हम पूरी बात करें ऑल इंडिया किया फसला बोर्ड। मगर हमारे यहाँ लखनऊ में या जहां जहां से मेरे रास्ते हैं वहां वहां ताजिया बन रहा है और ताजिये रखे जा रहे हैं। वो जो ताजिये बड़े प्रोसेशन के साथ में उठते थे जो निकलते थे तो दरख्त काटे जाते थे, उस ताजियों को लेकर प्रशासन रोक रहा है, मगर हम ये बात कर रहे हैं कि उन ताजियों को भी इमाम चौक के ऊपर रखने की इजाजत दी जाए। साहब, कल में जवाब साहब ने बयान दिया है कि डीजीपी से उनके बात हो गई है, आप उनको कोई आपत्ति नहीं है इस पत्र को लेकर, पीस मीटिंगों में शिरकत होगी और सारे लोग जो है प्रशासन का इसी तरीके से सपोर्ट करेंगे। देखिए, इसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, उनकी क्या बात हुई, कुछ कोई चीज लिखित नहीं आई है, लिहाजा जब तक के लिखित नहीं आई है लिहाजा हम नहीं मानेंगे। हम भी राजनाथ जी से मिले थे, हम भी कोई बयान दे सकते थे, हम भी माइनॉरिटी कमीशन से मिले, आदम मिले कमिश्नर साहब से, जब तक के लिखित रिटर्न में नहीं आएगा। आपने पूरी कौम को रुसवा दलील कर दिया और उसके बाद में आपने चुपके से हमसे कमरे में आके माफी मांग ली, ये बिल्कुल सही नहीं है। जो पूरी कौम को आपने, पूरी कौम की शख्सियत को, इमेज को डैमेज किया है, लिहाजा आप पूरी कौम के सामने आके कहिए कि नहीं साहब, ये शिया कौम ऐसी नहीं है। अगर आपकी बात नहीं मानी तो अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम हम तय करेंगे, हमारे उलमा हमारे साथ हैं, जो ये हुक्म देंगे उसके ऊपर बाकायदा चला जाएगा बिल्कुल, क्योंकि ये मुहर्रम का मसला है, इमाम हुसैन अलैहि सलाम का, ये फेस्टिवल नहीं है, ये गम के दिन है। और ये मुहर्रम जो है हम अपने सीने से, सर से, पीठ से खून बहाते हैं, इमाम हुसैन अलैहि सलाम की याद मनाते हैं, लिहाजा अगला कदम जो भी होगा आपको बता दिया जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू।